आदरणीय श्री शैलेश पटेल जी, सम्माननीय डॉक्टर दिनेश शाह जी, सम्माननीय श्री बीरू पटेल जी, श्री भगुभाई पटेल जी, श्री शैलेश शाह जी, श्री दिलीप भाई भक्ता जी, श्री मोहन भाई जी, और इस विशाल मंडप में बैठे हुए सभी विभिन्न फैकल्टीज के डीन्स, प्राध्यापक, छात्र और छात्राएं, उनके माता पिता और अभिभावकगण, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पदवीदान समारोह में आने पर मैं गौरव अनुभव करता हूँ। यहाँ आकर गौरव अनुभव करने का एक कारण यह भी है कि बारडोली का संबंध भारत के उस महान सपूत से है जिसने बिखरे हुए भारत को एक किया। सरदार पटेल ऐसी विभूति हैं, अगर वो न हुए होते तो आज भारत का जो कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है शायद वह न हुआ होता। मुझे आपने इस समारोह में दीक्षांत भाषण देने के लिए बुलाया है, लेकिन दीक्षांत भाषण तो हो चुका, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। आपके प्रोवोस्ट साहब ने इस यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स, इसकी ग्रोथ स्टोरी, इसकी सफलता, इसकी कामयाबी, इस सब की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की है। आपके प्रेसिडेंट साहब ने जो कुछ बोला वास्तव में वही दीक्षांत भाषण था, वही कन्वोकेशन एड्रेस था। और बाद में आप सब लोगों ने प्रतिज्ञा दी, तो यूनिवर्सिटी की सक्सेस स्टोरीज, प्रेसिडेंट साहब का भाषण और आपके द्वारा ली गई प्रतिज्ञा, ये तीनों चीजें मिला देने के बाद मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई दीक्षांत भाषण देने की जरूरत है। लेकिन आपने मुझको बुलाया है और मैं आपके बीच आया हूं, इसलिए थोड़ी सी औपचारिकता निभानी पड़ेगी, और वह औपचारिकता निभाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। बदलते हुए जमाने में भारत के विश्वविद्यालय कैसी शिक्षा दें, उनकी क्या भूमिका हो, रोल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द चेंजिंग सोसाइटी, इसका इस मौके पर हमको विचार करना चाहिए। परिवर्तन तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं इसमें परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई है, और अगर हम संभल कर न चले तो पिछड़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। ये जो तेजी से बदलता हुआ जमाना है इसको कुछ नाम देने की कोशिश की गई है। कोई कहता है कि वी आर लिविंग इन ए नॉलेज एज, हम ज्ञान के युग में रह रहे हैं,
नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी, ज्ञान आधारित समाज। कोई इसको कहता है कि अब हम एक वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं। यह जमाना राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का न रहकर वैश्विक व्यवस्था का जमाना हो गया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आप और नाम भी इनको दे सकते हैं जिससे कि हम ये पहचान सकें कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर क्या है। अगर हम इसको अच्छी तरह पहचान पाएंगे तो फिर हम और हमारे विश्वविद्यालय अपनी भूमिका को भी पहचान पाएंगे। आज यहाँ करीब 1482 स्टूडेंट्स को पदवी प्राप्त हुई है और बहुत से छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अब अगर हम छात्रों की दृष्टि से देखें तो वे क्या सोचते हैं, और अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो समाज क्या सोचता है। पहले हम छात्रों की दृष्टि से देखें तो छात्र सोचता है कि मैंने विश्वविद्यालय की ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ली, अब मेरा भविष्य क्या है, क्या मैं अपने जीवन में अच्छी तरह अपने को स्थापित कर पाऊंगा, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल पाएगा, मैंने जो ऊंची शिक्षा प्राप्त की है उस ऊंची शिक्षा के अनुरूप मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिल पाएगी। ये प्रश्न पदवी लेकर विश्वविद्यालय से जाने वाले विद्यार्थियों के सामने खड़े होते हैं, और अगर उनको विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने पर उनकी उस क्षमता और योग्यता के मुताबिक, जो क्षमता और योग्यता उन्होंने विश्वविद्यालय में अर्जित की है, रोजगार नहीं मिलता, तो उनमें एक कुंठा पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। और अगर उन्हें समाज में जो उन्होंने योग्यता और शिक्षा प्राप्त की है उसके अनुरूप सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तब भी फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। इसमें से ये बात निकलती है कि हम अपनी शिक्षा को, हमारे विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा को बदलते हुए जमाने के अनुरूप ढालें, जिससे कि विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र छात्राएं उनको अपनी योग्यता के अनुसार समाज रोजगार दे सके और प्रतिष्ठा दे सके। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों को अपना चरित्र, अपना करैक्टर, अपना स्वरूप कैसा बनाना है, इस सब का यहाँ बैठे हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। ये बात तो मैंने कही कि छात्र किस नजरिए से अपने भविष्य को देखता है, अब जरा समाज की बात करें। आखिर को यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके और पदवी ग्रहण करके आप विशाल समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं। समाज आपको किस रूप में स्वीकार करता है, क्या आप समाज के लिए उपयोगी हैं या स्वयं अपने लिए उपयोगी हैं। अगर शिक्षा प्राप्त करके आप अपने लिए तो उपयोगी बन गए, आपका एम्पावरमेंट तो हो गया, आपकी तो रोजगार पाने की क्षमता बढ़ गई, लेकिन समाज के लिए आपका उपयोग ना हुआ, तो समाज आपको वह सम्मान नहीं देगा जो सम्मान आप समाज से चाहते हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र छात्राओं को
ये विचार भी करना है कि मैं समाजोपयोगी कैसे बनूं, केवल मेरा कैरियर बन जाए इतना पर्याप्त नहीं, मैं समाजोपयोगी कैसे बनूं। और समाजोपयोगी बनना, इसके लिए मन में करुणा चाहिए, मन में संवेदना चाहिए, अपने समाज बंधुओं के लिए अपनापन चाहिए, प्रेम चाहिए, लेने की नहीं देने की भावना चाहिए, त्याग की भावना चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए। यह जो पहलू है, अगर ये पहलू कमजोर रह गया तो हम पैसा भले ही कितना कमा लें, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकेंगे। मुझे महात्मा गांधी का काका कालेलकर, एक प्रसिद्ध गांधीवादी हुए हैं, उनको कही हुई महात्मा गांधी की बात याद आती है। काका कालेलकर ने पूछा महात्मा गांधी जी से कि बापू, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पीड़ा किस चीज से होती है? थोड़ी देर रुककर गांधी जी ने कहा कि काका कालेलकर, मैं पढ़े लिखे लोगों में, शिक्षित लोगों में करुणा और संवेदना की भावना सूखता हुआ देख रहा हूं, इससे मुझे पीड़ा होती है। यानी गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति शिक्षित तो हो गया, पर अगर उसमें करुणा की भावना, संवेदना की भावना सूख गई, तो फिर वो समाजोपयोगी नहीं रहेगा, वो राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। इसलिए आज हमारे विश्वविद्यालयों को इस बदलते हुए दौर में अपनी भूमिका पहचान कर ऐसे लोग तैयार करने हैं जो स्वयं में भी सशक्त हो, जिनका एम्पावरमेंट हो, और जो समाज के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार के लोगों का निर्माण करना हमारे विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और आज जिन छात्र छात्राओं को पदवी प्राप्त हुई, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, वे स्वयं भी सशक्त होंगे और समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। यहां इस यूनिवर्सिटी का जो करैक्टर है, उस करैक्टर के साथ मैं अपने को मिसफिट पाता हूं। कारण यह है कि मैं भाषा और साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, और भाषा और साहित्य ही पढ़ाता रहा हूं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जिन विषयों पर जोर है वे विषय अलग हैं। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अब इन कोर्सेज पर जोर इस यूनिवर्सिटी में है क्योंकि ये समय की ज़रूरत है, ये समय की ज़रूरत है। और इन फैकल्टीज में जिस किस्म का शिक्षण यह यूनिवर्सिटी दे रही है, उसने इस यूनिवर्सिटी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रूप दिया है। जब डॉक्टर डीएस कोठारी ने शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आइडिया था। उन्होंने कहा कि हम सभी शिक्षा संस्थाओं को तो एक्सीलेंस के लेवल पर नहीं ले जा सकते,
लेकिन कुछ को हम एक्सीलेंस के लेवल पर ले जाएंगे तो उसका अनुकरण करके बाकी शिक्षा संस्थाएं भी उस दिशा में बढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आइडिया दिया और मुझे खुशी है, पता नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी को औपचारिक रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कभी डिक्लेयर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में इस यूनिवर्सिटी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक विषय और है, उसको छूते हुए मैं थोड़ा सावधान हूँ, पता नहीं ये उचित मंच है कि नहीं जहाँ इसका जिक्र करना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा की जो बढ़ती हुई मांग है, उस बढ़ती हुई मांग को अकेले सरकार अपने साधनों से पूरा नहीं कर सकती। अभी भी हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में एक्सेस कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इस शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकती, इसलिए स्वाभाविक है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर आएगा। पर प्राइवेट सेक्टर के भी दो चरित्र हैं, एक उदार लोग हैं सेवा के लिए, शिक्षा में से उनको प्रेम है, चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी शिक्षित बने, उसको अच्छी शिक्षा मिले, वो कॉमर्शियल मोटिव से, पैसा कमाने के मोटिव से शिक्षा संस्थाएं नहीं खोलते, वो समाज में ज्ञान का प्रसार करने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलते हैं। एक इस प्रकार की निजी संस्थाएं हैं, पर दूसरी ओर ऐसी निजी संस्थाएं भी हैं जो प्रॉफिट मोटिव से, कॉमर्शियल मोटिव से, पैसा कमाने की मानसिकता से शिक्षा पर अपना वर्चस्व और सत्ता स्थापित करने के लिए चलाई जाती है। कहीं शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के गर्भ में इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले जिसको हम प्रॉफिट मोटिव, कॉमर्शियल मोटिव से चलाई गई शिक्षा कहते हैं, नहीं तो शिक्षा का बाजारीकरण हो जाएगा। इसलिए देश को आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र आए, निजी लोग आए, लोकोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट, सेवा भावना रखने वाले लोग आए, अच्छी शिक्षा संस्थाएं चलाएं, पर शिक्षा का बाजारीकरण ना हो, ये सावधानी बरतने की जरूरत है। और मुझे खुशी है इस बात की कि यह यूनिवर्सिटी प्राइवेट क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये प्रॉफिट मोटिव और धन कमाने के लिए स्थापित नहीं की गई है, लोक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए स्थापित की गई है। जब आपके यहां प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो रहा था तो मैंने एक उनका वाक्य चोरी कर लिया। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी नाम की जो संस्था है, इट इज नॉट मियरली एन एग्जामिनिंग बॉडी। तो फिर क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो जो गुड सिटीजन्स हैं उनकी नर्सरी है, गुड सिटीजन को, अच्छे नागरिकों का निर्माण करने वाली भूमि है, उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है। हमारे देश को गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों की जरूरत है। कारण दो कारण है, एक तो हमारे देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया, हमारा संविधान देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चाहता है,
पर ये लोकतंत्र चलता कैसे है अगर नागरिक जागरूक नहीं होंगे? विदाउट गुड सिटीजन्स यू कैन नॉट इमेजिन ए गुड डेमोक्रेसी. गुड सिटीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. हमारे देश में आज़ादी हासिल किए 7 दशक बीत रहे हैं. 1950 में हमारा संविधान बना था और हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया. डेमोक्रेसी का तकाजा है कि उसको चलाने वाले नागरिक सुशिक्षित हों, संवेदनशील हों, अपनी जिम्मेदारी को समझें. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आइडियल सिटीजन, ये कहाँ तैयार होंगे? आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई अच्छी वस्तु तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रोडक्शन यूनिट, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई इंडस्ट्री गुड सिटीजन्स और आइडियल सिटीजन पैदा नहीं कर सकती. वो करने होंगे तो वो हमारी यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके प्रेसिडेंट साहब ने अपने वक्तव्य में ये जो बात कही कि यूनिवर्सिटी इज नॉट मियरली एन एग्जामिनिंग बॉडी, इट इज ए नर्सरी फॉर क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स, इस दिशा में यह यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, ये खुशी की बात है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. अब मैं अपनी बात समाप्त करने की ओर जा रहा हूं, केवल 2 बातों का उल्लेख करके, और वो भी मेरे शब्द नहीं है. यहीं पर जो लोग मुझसे पहले बोले उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो. तो मुझे याद आता है हमारे राष्ट्रपति अब नहीं रहे हमारे बीच, श्री APJ अब्दुल कलाम, वो युवाओं को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि बड़े सपने देखो, चुनौती को स्वीकार करो और अपने में ये भरोसा रखो कि मैं जो सपने देख रहा हूं उनको पूरा कर सकता हूं और जो चुनौतियां हैं उनका मैं समाधान निकाल सकता हूं. एक साधारण परिवार में पैदा हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बात केवल कहते नहीं थे, उन्होंने स्वयं करके दिखाई. साधारण परिवार में पैदा हुए, बड़े सपने देखे, चुनौती को स्वीकार किया और मैं ये कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास लेकर चले. मुझे लगता है कि यहाँ से जो छात्र छात्राएं पदवी ग्रहण करके और स्वर्ण पदक ग्रहण करके जा रही हैं, वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस सीट को बराबर ध्यान में रखेंगे. अब एक अंतिम बात, जब हम छोटे थे और देश आज़ाद हुआ था तो स्कूल की परीक्षा पास करके जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक शब्द बार बार हमारे कान में पड़ने लगा, डेवलपिंग कंट्रीज. एक शब्द पड़ा कान में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, फिर पड़ा डेवलपिंग कंट्रीज और फिर पड़ा डेवलप्ड कंट्रीज, और लगा कि दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. अब ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ये अच्छा शब्द नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिया. अब अंडर डेवलप्ड शब्द का प्रयोग ना करके उनको भी डेवलपिंग कह देते हैं, तो भी दुनिया 2 हिस्सों में तो बटी हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज.
अब ये बात हम 1950 से अब तक सुनते आ रहे हैं और कहते हैं कि भारत एक इमर्जिंग उभरती हुई ताकत है, पर फिर भी उसके ऊपर डेवलपिंग कंट्री का लेबल चिपका देते हैं। मित्रों, कब तक हम अपने ऊपर यह डेवलपिंग कंट्री का लेबल चिपकाए रहेंगे? अगर हमको डेवलपिंग कंट्रीज के दायरे से बाहर निकलकर डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आना है, तो इस चुनौती को हमारे उन विद्यार्थियों को स्वीकार करना पड़ेगा जो विश्वविद्यालयों में साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट के छात्र हैं। ये ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का है, इसके सहारे हम लोग डेवलपिंग स्टेज से निकलकर डेवलप्ड कंट्री की स्टेज में आए। इस चुनौती को हमारी युवा पीढ़ी को स्वीकार करना होगा, और अगर इसको स्वीकार करना है तो केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे आप नहीं कर सकते। केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा, उसके लिए एक तीसरी चीज की जरूरत है, और वह तीसरी चीज है आत्मविश्वास, जो पैदा होता है अपनी आइडेंटिटी का गौरव होने से। हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा ईथोस क्या है, भारतीयता क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा जीवन मूल्य क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, व्हाट आर वी, हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या है, इसका जब तक गर्व नहीं होगा तब तक केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के भरोसे पर भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। और अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो जरूर साइंस पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए, वाणिज्य पढ़िए, मैनेजमेंट में जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को कायम रखिए। और याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, योगी अरविंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि अपनी आइडेंटिटी और पहचान, इसको अगर खो दिया तो ये जो बाहरी चीजें हैं जो आपको एम्पावर करती हुई दिखाई पड़ती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनके सहारे भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि देश राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्रता में और स्वराज्य में अंतर है। स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है, इट इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, लेकिन स्वराज्य होता है स्व को, अपने को, अपनी आइडेंटिटी को, हम क्या हैं, हम क्या हैं, इसको पहचाने। क्या भारत आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकल आया है? इसका विचार आप लोग करें। मैं जब छोटा था तब हमने मैथिली शरण गुप्त, हिंदी के एक कवि हुए हैं, उनकी भारत भारती नाम की एक रचना पढ़ी थी, उसमें उन्होंने इसी आइडेंटिटी क्राइसिस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वो आह्वान कर रहे हैं कि हम कौन थे, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, पहचान क्या थी, क्या हो गए हैं, अपनी पहचान को भूल गए हैं,
जो समाज, जो राष्ट्र, जिस समाज के युवा लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, वे कितना ही विज्ञान, कितनी ही टेक्नोलॉजी की विद्या प्राप्त कर ली, राष्ट्र को आगे ले जाने में जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का महत्व है, वैसे ही अपनी आइडेंटिटी को पहचानना और उसका गर्व करना, इसका भी महत्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे भाई बहन आज पदवी प्राप्त करके जा रहे हैं, वे ज़रूर जो उनको यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को संजोकर रखेंगे, समाज के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे और साथ साथ बराबर सोचते रहेंगे कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं। और जब ये सोचेंगे तो हमको अपनी आइडेंटिटी का गर्व होगा और उसमें से देश डेवलपिंग स्टेज से निकलकर डेवलप्ड स्टेज में आएगा। मैं एक बार उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी के सभी संचालकों को, संस्थापकों को, यहाँ बैठे हुए सभी शुभचिंतकों को, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।